राम राम लातूरकर, आई तुलजा भवानी जी की। ये महान संतों की धरती है। संत श्रेष्ठ उदागर जी बाबा, श्री धोडू तांत्या महाराज जी, ये ख्वाजा बादशाह दरगाह जी की धरती भी है और डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य जी की धरती भी है। इस धरती को मेरा नमन। देखिए, आपकी इस धरती ने, महाराष्ट्र ने सामाजिक न्याय का प्रतीक बनकर पूरे देश को दिखाया। शिवाजी महाराज जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, सब यही के बेटे बेटियां रहे। आज यहाँ खड़े होते हुए, आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं आपके बीच आई हूं। क्या हुआ उधर? लेकिन मेरी बहनें तो सब इधर हैं। फिर मैं उनको नहीं दिखूंगी। उधर जाओ, आपकी धरती ने दो दो मुख्यमंत्री दिए। स्वतंत्रता आंदोलन में आप सब ने, आपके पूर्वजों ने भाग लिया। यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत विकास करवाया। आप सब जानते हैं कि जो जो बड़ी फैक्ट्रियां बनी, जो जो यहाँ पे बना, उस सब का आधार कांग्रेस ने ही एक समय में डाला। लेकिन आज आपके सामने मैं चुनाव के मौके पे आई हूं और आपको कुछ गंभीर बातें आपसे करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप गहराई से समझिए कि आज आप कहां खड़े हैं और हमारा देश कहां खड़ा है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। 70 करोड़ लोग, नौजवान बेरोजगार हैं और इस बीच केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं जो पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भरे नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। पिछले 10 सालों में मुश्किलें बढ़ी हैं, समस्याएं बढ़ी हैं। सिर्फ बेरोजगारी नहीं, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। मेरी बहनें वहां बैठी हैं, दिख रही हूं मैं। देखिए, सारा समाज का बोझ आप उठाती हो। आज आप यहां बैठी हो, घर जाओगी, खाना पकाना पड़ेगा, बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, सुबह उठ के अगर आपकी नौकरी है आप नौकरी करने जाएंगी, खेती है तो खेती में भी आप मदद करेंगी। और जब जब समाज में संकट आता है, परिवार में संकट आता है, तो सबसे पहले आप त्याग करती हैं। अगर पैसे कम होते हैं घर में तो जो आपका बचा होता है उससे आप कुछ ना कुछ खरीद लेती हैं बच्चों के लिए। अगर कोई बीमार पड़ता है और इलाज करना पड़ता है तो अगर आपके पास कुछ आपने बचा के रखा है आप उसको देती हैं। अगर भूखे होते हैं बच्चे तो पहले आप बच्चों को हमेशा खिलाती हैं, आखिर में आप खाती हैं। जब परिवार में किसी को भूखा रहना पड़ता है तो हमेशा माँ ही होती है। माँ त्याग करती है, महिला त्याग करती है। आप सारे समाज का आप बोझ उठाती हो और आज आपके लिए महंगाई से कोई भी राहत नहीं है। 1100-1200 तक एक गैस के सिलेंडर के लिए आप दे रही थी। चुनाव आया, जैसे ही चुनाव आने लगा
मोदी जी ने अचानक कह दिया कि अब 400 रुपए का है। कभी आपने सोचा कि इतने सालों से इतनी महंगाई झेल रही हैं, 1100 1200 का सिलेंडर खरीद रही हैं और चुनाव आते ही इन्होंने कम कर दिया, चुनाव से पहले कम क्यों नहीं किया, इतने समय से कम क्यों नहीं किया? कभी आपने अपने आप से पूछा है कि सारा बोझ उठाती हैं लेकिन आपकी राहत के लिए सिर्फ एक 5 किलो का राशन का बोरा दिया है? कभी आपको नौकरियां, आपको रोजगार की उम्मीद नहीं हो सकती, आपको अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद नहीं होती, आपके लिए कुछ, अपने लिए कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं मिलता? ये तो है आपकी परिस्थिति, लेकिन जन जन की आज यही परिस्थिति है। किसान को देखिए, कितने किसानों ने आत्महत्या की। आज यहाँ पे सोयाबीन के किसानों की क्या हालात है, खेती करनी पड़ती है, खेती के हर सामान पर जीएसटी लगा हुआ है, जहां जहां आपको जरूरत है वहां महंगाई है, अब सामना नहीं कर पा रहे हैं, हर तरह से आपको घेरा हुआ है सरकार ने। चाहे आप मजदूरी कर रहे हो तो ठीक मजदूरी भी नहीं मिलती, कम मजदूरी मिलती है, शोषण होता है, चाहे दलितों को का शोषण हो रहा है या अत्याचार हो रहे हैं उन पे, और सरकार आंख मूंदे हुए है। तो परिस्थितियां जो है आपकी मुश्किल है, आप संकट में हैं, लेकिन उसी समय अगर आप टीवी को चालू करेंगे, आप अपने फोन पे किसी मीडिया को देखेंगे तो आपको क्या दिखता है? आपको यही दिखता है कि सब कुछ अच्छा है, देश आगे बढ़ रहा है तेजी से। कभी मोदी जी अफ्रीका में दिख रहे हैं, कभी अमेरिका में दिख रहे हैं, कभी जापान में दिख रहे हैं, कभी यूरोप में दिख रहे हैं, कभी सबको यहां पे बुलाया हुआ है उन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए। भाजपा के सारे मंत्री, सारे नेता आपको रोज रोज बताते हैं कि मोदी जी से बड़ा नेता इस दुनिया में ही नहीं है, कि हर अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति मोदी जी की ओर देख रहे हैं कि मोदी जी चाहें तो ऐसे चुटकी बजाकर दुनिया के सारे जंगों को बंद करा सकते हैं। सुना है ना, ये आपने सुना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये हमारे प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा पद इनका, दुनिया भर की सत्ता इनकी, इनके सारे मंत्री सुबह से शाम तक कहते हैं कि कितने महान हैं, चुटकी भर में जंग बंद कर देंगे, चुटकी भर में ये कर देंगे वो कर देंगे। 10 साल से इनका राज रहा है, क्या बंद किया है आपके लिए? सोचा है आपने क्या बंद किया है इन्होंने? रोजगार बंद किए हैं, रोजगार बनाए नहीं है, घटाए हैं इन्होंने। सोचा है कि आपके लिए क्या किया है, चुटकी बजा के क्या किया है आपके लिए? रोजगार पैदा किए? नहीं। महंगाई को कम किया? आपके जीवन में तरक्की आई? मेरी बहनों के लिए कुछ किया? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है आज, मेरी बहनों को सरकार पैसा दे रही है ताकि उनकी बचत हो। कर्नाटका में 2000 रुपए हर गरीब परिवार की महिला को मिल रहा है, आज हर महीने मिल रहा है। मोदी जी की 10 सालों के राज में क्या मिला, क्या मिला? हर जगह जाके कहते हैं 5 किलो राशन दिया है, 5 किलो राशन दिया है, अच्छा किया है, कम से कम ये तो दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके नौजवान बच्चे, जिनको मेहनत से आपने पढ़ाया लिखाया, खेती करके मजदूरी करके आज जितना भी गरीब हो परिवार, वो ये चाहता है कि उसका बेटा उसकी बेटी शिक्षित हो, उन्हें रोजगार मिले, इसलिए सब मेहनत करते हैं। परिवार के जितने सदस्य होते हैं किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करके, मेहनत करके अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। मैं एक महिला को जानती हूँ यूपी में, चुपचाप से फॉल साड़ी के फॉल सिल के 100-100 रुपए के लिए सिल के उसने इकट्ठे किए पैसे ताकि उसकी बेटी पढ़ लिख सके। तो सारे परिवार चाहे कितने भी गरीब हों, यही चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हों। और आज परिस्थितियां ये हैं कि बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं
और आपकी सरकार आपको कह रही है कि लोग 5 किलो राशन में खुश हो जाओ, यही तुम्हारा भविष्य है। क्या इस 5 किलो राशन से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा? क्या वो अपने पैरों पे कभी खड़े हो सकेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि यही काफी है, कि यही करने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपके लिए? ये परिस्थितियां कैसी बनी इस देश में कि जो जो आप खरीदने जाते हैं वो महंगा हो गया है। सोना 73,000 का, चांदी 90,000, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल हद से ज्यादा। सब्जी खरीदने जाती हैं मेरी बहनें, क्या मिलता है, आधी चीजें छोड़ के चली आती हैं। त्योहार होता है, बच्चों के लिए नए कपड़े, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ता है, पता ही नहीं कि कैसे सामना करेंगे। ये तोहफा दिया है आपको 10 सालों में मोदी जी की इस महान सरकार ने, और आप चुप हैं, आप कह रहे हैं कि काफी है। बताइए बताइए, काफी है, काफी नहीं है? क्या चाहते हैं आप अपनी सरकार से, क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं? जोर से बोलिए, रोजगार चाहते हैं? महंगाई को कम करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए स्कीम्स चाहते हैं? किसानों के लिए राहत चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों के माफ किए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ। इस देश के किसान के लिए क्या माफ किया है? इस देश के किसान पे GST थोपी है। इस देश के किसान के लिए 1 रुपया माफ नहीं किया। जब इस देश के किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, जब 600 किसान शहीद हुए, नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। जब इनके मंत्री ने किसानों को पहियों के तले कुचल दिया, अपने जीप के पहियों के तले, तब मोदी जी ने पूछा तक नहीं इनको। ये है इनकी हमदर्दी आपके प्रति। और चुनाव आता है तो सारी नौटंकी, सारा नाटक शुरू आपके सामने। बड़े बड़े वादे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख आपके खातों में कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसके खाते में आए ये 15 लाख? मैं तो ये सवाल आपसे पिछले चुनाव में कर रही थी। पिछले चुनाव में हमने आपसे पूछा कि भाई कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? आप चुप थे, आपके सामने ये लोग आए, धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, जज्बातों को उभार दिया, बहकी बहकी बातें कर ली, और आपने फिर से अपना वोट इनको दे दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 साल हो गए, आपकी क्या सच्चाई है? आपकी सच्चाई आज ये है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। आपकी सच्चाई ये है कि आप कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, कितनी भी मेहनत करो, पूरा नहीं हो रहा है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी सच्चाई ये है कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो मोदी जी और इनकी सरकार किसको बचाते हैं? महिला को, कि जो अत्याचार कर रहा है उसको? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए, अरे हमारी ओलंपिक की मेडलिस्ट को देखिए, मेडल लाई, मोदी जी ने स्वागत किया अपने घर में, चाय पिलाई, फोटो खिंचाई, ये भी लिखवाया अखबारों में कि मोदी जी की सरकार में देखो महिलाएं गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। और जब वही महिलाएं सड़क पर उतरी न्याय मांगने के लिए, जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमें बचाओ, हमें मदद करो, मोदी जी बाहर निकलना, मोदी जी ने उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको घर भी नहीं बुलाया, उनसे पूछा भी नहीं कि बेटा तुमने इस देश के लिए इतना किया है, जरा बताओ क्या हुआ, मैं मदद कर सकता हूं? ये है उनकी हमदर्दी आपके लिए। आज ये है आपकी परिस्थिति। तो देखिए, समय आ गया है तय करने का। शायद आपको मेरी बात थोड़ी कठोर लगेगी, शायद आपको लगेगा कि क्या कह रही हूं मैं, लेकिन मैं आपके सामने सच्चाई कह रही हूं। आज जहां हमारा देश है,
दस सालों से जो इस देश में हुआ है, लोकतंत्र को दुर्बल करना, आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ, क्या हुआ महाराष्ट्र में? पैसों के बल पर विधायकों को खरीद के आपकी चुनी हुई सरकार को गिराया, आपकी आंखों के सामने हुआ, आप चुप रहे। आपकी आंखों के सामने सारी मीडिया कह रही है कि ऐसा तो मोदी जी ही कर सकते हैं, कि ऐसा तो बीजेपी ही कर सकती है। देखो, खुलेआम नारे लग रहे हैं कि हमने इतने पैसे लिए, इतना ही काफी। और जिन विधायकों को आपने वोट दिया वो दल बदल रहे हैं, पार्टियां टूट तोड़ी जा रही हैं पैसों के बल पे। अपराध है ये, अपराध है बहनों और भाइयों, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और इससे बड़ा अपराध कोई अपराध नहीं है जो लोकतंत्र के साथ अपराध है। लोकतंत्र आपको बचाता है, संविधान आपको बचाता है। अगर आजादी की लड़ाई लड़ी आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, खून दिया, शहीद हुए बड़े बड़े नेता, किसान शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए, उसके लिए किस लिए? आपकी आजादी के लिए, आपके अधिकारों के लिए, एक ऐसा संविधान बनाने के लिए जिससे आपको अपने अधिकार मिले। इसीलिए इस देश में चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान महिला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, सबका समान अधिकार है इस देश के संविधान के तहत। भीमजी राव अंबेडकर जी ने यह संविधान दिया हमें, सब लड़े इसके लिए, और आज हमारी आंखों के सामने इसके खिलाफ हर रोज कुछ हो रहा है। इसने आपको बचाया, आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्री, उनके सांसद, उनके उम्मीदवार देश भर में घूम के कह रहे हैं कि दे दो हमें 400 सीटें, देखना हम संविधान भी बदल डालेंगे। संविधान क्यों बदलेंगे, किस लिए बदलेंगे? आपके अधिकारों को कमजोर करने के लिए। वो जानते हैं कि ये अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं। जब ये बात फैल गई पूरे देश में, मोदी जी को दिखने लगा कि पहले चरण में उनको कम वोट आ रहे हैं, घबरा गए, बौखला गए, फिर आपके सामने हर मीटिंग में कहने लगे कि हम संविधान को नहीं छुएंगे, तो फिर ये कहलवाया क्यों? मैं तो नहीं मानती कि इनकी पार्टी में इनके उम्मीदवार और इनके मंत्री पूरे देश भर में घूम के ये कहेंगे कि हम संविधान को बदल देंगे और नरेंद्र मोदी जी की इजाजत के बिना कहेंगे। लोग तो कहते हैं इनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता भाजपा में। तो कहलवाया गया है, कहलवाया गया है ताकि ये बात फैले और ये लोग मंच पर खड़े होकर नकारे, प्रधानमंत्री जी बोले नहीं नहीं हम नहीं बदलेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो देख लेना। दावे के साथ कह सकती हूं, पहले भी इन्होंने किया है, कि ये बदल डालेंगे, और बदलेंगे इस तरह कि इस देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। यही हर प्रदेश में करने का प्रयास है। महाराष्ट्र में आपने देखा इनकी कैसी सरकार बनी है, आपने कहा 60% की सरकार है, मतलब हर चीज में 60% का घूस, इस तरह से काम करते हैं। जहां जहां इनकी सरकारें हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकेंगे, कहते हैं कि मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं इकलौता इस देश में ईमानदार नेता हूं। अच्छा, तो फिर बताइए मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम क्यों निकाली? इस स्कीम में जानते हैं क्या था? इस स्कीम में यह बात थी कि जो भी राजनीतिक दल को चंदा देता है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत स्कीम है, इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गुप्त नहीं होना चाहिए, सब सामने आना चाहिए। जब लिस्ट सामने आई बहनों और भाइयों, तो क्या पता चला, सब जो कहते हैं कि ईमानदार है, सब खुल गया देश के सामने, सब सच्चाई देश के सामने आ गई। जिन जिन लोगों से इन्होंने चंदा लिया था, पहले उन्हें डराया, धमकाया, उन पे रेड कराई, छापा मर लगवाया, जैसे ही उनसे चंदा लिया, छापे बंद, केस बंद। गुजरात में जो पुल गिरा था उसको बनाने वालों से चंदा लिया,
जिन्होंने आपकी कोविड वैक्सीन बनाई, उसको बनाने वाले से चंदा लिया, किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि चंदा नहीं था, धंधा था, वसूली कर रहे थे। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका।